समाज भलाई के लिए ली गई शपथ को याद रखें समितियों के पदाधिकारी व सदस्य। आचार्य बालकानंद गिरी, अग्रवाल सभा बाड़ी, अग्रसेन सहायता समिति एवं अग्रसेन शिक्षा समिति का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने विद्यालय के लिए की 21 लाख रुपए की घोषणा, बोले सर्व समाज में अग्रणी है अग्रवाल समाज। धौलपुर जिले के बाड़ी में शनिवार को अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल सभा बाड़ी, अग्रसेन सहायता समिति एवं अग्रसेन शिक्षा समिति का शपथ ग्रहण समारोह आनंद पीठासोर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश सतीश चंद गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी मिथिलेश गुप्ता ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन राधेश्याम गर्ग, अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन पूर्वी राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष कमलेश गर्ग, जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल, बाड़ी अग्रवाल सभा के निवर्तमान अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, युवा मंडल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रखर मंगल और अग्रवाल सभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग एडवोकेट मंचा सिंह रहे। कार्यक्रम की शुरुआत आनंद पीठासोर अनंत श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज द्वारा भगवान अग्रसेन के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर आरती के साथ की गई। उसके बाद नव निर्वाचित अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग उमरे वालों ने, गोपाल दास गर्ग एवं उनके परिवार ने और शिक्षा समिति के अध्यक्ष पीडी अग्रवाल, सचिव राम सेवक मंगल, अग्रसेन सहायता समिति के अध्यक्ष प्रमोद गर्ग कंपनी परिवार, सचिव बंटू गर्ग नादनपुर वाले, अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष बिमला मित्तल, महामंत्री सुमन मंगल, नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अमित मंगल, महामंत्री अंशुल गर्ग ने मंचासीन अतिथियों का शॉल उड़ाकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। उसके बाद अग्रसेन विद्यापीठ की छात्राओं ने अतिथियों के सम्मान में स्वागत गान गाया। नव निर्वाचित अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि गुरुजी के आशीर्वाद एवं पूरे अग्रवाल समाज के द्वारा मुझे ये दायित्व दिया गया है। अग्रवाल सभा के अध्यक्ष के नाते मैं पूरे अग्रवाल समाज को साथ लेकर चलूंगा तथा अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी पहुंचने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले महामंडलेश्वर आचार्य बालकानंद गिरी के द्वारा श्री अग्रवाल सभा के अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, उपाध्यक्ष राम कुमार गर्ग, महामंत्री हरिशंकर मंगल, मंत्री राजेंद्र गर्ग कांकरी वाले, सूचना मंत्री अजय गर्ग तथा सुनील गोयल, कोषाध्यक्ष अशोक बंसल सर्राफ, निरीक्षक रवि मोदी, भंडारी कैलाश चंद गोयल, रामनिवास अग्रवंशी और विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर गोपाल गोयल सहित समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी को शपथ दिलाई और गुरुजी ने कहा कि सभी सदस्यों को इस शपथ को हमेशा याद रखना है। बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के द्वारा श्री अग्रसेन सहायता समिति की नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई, जिसमें अग्रसेन सहायता समिति में अध्यक्ष प्रमोद गर्ग कंपनी परिवार, उपाध्यक्ष पूरन चंद गर्ग आंगई वाले, सचिव बंटू गर्ग नादनपुर वाले, सह सचिव ऋषि गर्ग डायमंड कार्ड, कोषाध्यक्ष सोनू मोदी, विजय बंसल, सुनील गर्ग कंपनी परिवार, रिंकू गर्ग आदि शामिल रहे। उसके बाद जिला न्यायाधीश सतीश चंद गुप्ता के द्वारा श्री अग्रसेन शिक्षा समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई, जिसमें अध्यक्ष पीडी अग्रवाल, उपाध्यक्ष हरिओम सिंगल, सचिव राम सेवक मंगल, सह सचिव श्रीनिवास मित्तल, कोषाध्यक्ष त्रिलोक चंद, निरीक्षक दीनदयाल मित्तल, महावीर प्रसाद गोयल, राकेश गर्ग कंपनी परिवार, हरिओम गर्ग, कपिल गर्ग, सुभाष चंद गर्ग सहित सभी को शपथ दिलाई। महामंडलेश्वर आचार्य ने सभी सदस्यों को तो भौतिक शपथ दिलाई थी, लेकिन सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को आध्यात्मिक शपथ दिलाई गई थी। उन्होंने कहा कि अपने सभी सुख दुख और सभी कर्मों को भगवान के समक्ष अर्पण कर दें, क्योंकि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कहा कि अग्रवाल समाज सबसे अग्रणी समाज है और मुझको राजनीतिक जीवन देने के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। देश पर जब जब आर्थिक संकट आया है तब तक अग्रवाल समाज ने अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने अग्रवाल सभा में विद्यालय के लिए 21 लाख रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा भी की। डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मैं समाज के साथ तन मन धन से हमेशा तैयार रहा हूं और रहूंगा। धौलपुर जिला न्यायाधीश सतीचंद गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मैं बाड़ी में पहले भी रहा था, अब मैं धौलपुर जिले में आया हूँ। पूरे धौलपुर जिले से मुझे बेहद प्यार मिला है। जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल एवं अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने भी अपने विचार व्यक्त किए और अपने गुरु की महिमा को बताया। अपना करके संयोजक सचिव और तमाम समितियों के दायित्व निभाने वाले सुनील गर्ग कंपनी परिवार द्वारा बाड़ी में चल रही समाज सेवी समितियों के बारे में बताया और कहा कि मैं समाज के लोगों से अपील करता हूं कि शहर में चल रही समितियों में अपना सहयोग और समय अवश्य दें। अग्रसेन सेवा सदन के लिए दाऊदयाल मित्तल और
सोहन मित्तल ने 5,51,000 रुपए और मोहन मित्तल ने 5,51,000 रुपए की घोषणा की। 1,51,000 रुपए की घोषणा दौलपुर जिला महासमिति के उपाध्यक्ष ऋषि मित्तल के द्वारा की गई। 5,00,000 रुपए की घोषणा विष्णु सिंगल सनौरा बालों के द्वारा की गई। 1,00,000 रुपए की घोषणा कोटा से आए हुए बाड़ी के निवासी नीरज बंसल के द्वारा की गई। 2,51,000 रुपए की घोषणा विष्णु कुमार गौरव मंगल के द्वारा की गई। शबिका मंच के द्वारा सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिवदयाल मंगल एवं अग्रवाल सभा के महामंत्री हरिशंकर मंगल सर्राफ ने किया। कार्यक्रम के अंत में अग्रवाल सभा के महामंत्री हरिशंकर मंगल द्वारा सभी को धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर राजेश मित्तल, दिनेश गर्ग वागथरिया, एडवोकेट अरुण मंगल, पार्षद योगेश मंगल, गोपाल दास गर्ग उमरे वाले, पूर्व प्रधान धनीराम गुर्जर, पंकज बागथरिया, दाऊदयाल शर्मा, ओम प्रकाश धीमरी वाले, विष्णु मेहरे, भगवान दास बंसल नेताजी, गोविंद राम मीणा, प्रभाकर दीक्षित, डॉक्टर सुरेश मंगल, रामनिवास गर्ग वागथर, अशोक चौधरी, सुभाष गर्ग, दुर्ग सिंह अंदाना, माता प्रसाद गोयल, अनिल गोयल, हिंदू जागरण मंच सहित धौलपुर जिले की अग्रवाल समाज की विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। फर्स्ट ट्रैक के लिए बाड़ी से मलिक इमरान खान की रिपोर्ट। देश की उन समाजों में से है जो हमेशा देश के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आती है और हर कार्य को पूर्ण करती है। अब इस समाज को थोड़ा सा और जागृत होने की आवश्यकता है और युवाओं पे काम करने की आवश्यकता है। हमारा देश सनातन धर्म का संवाहक है तो सनातन धर्म के संस्कार प्रत्येक घर में और प्रत्येक युवा को मिले और समझे, ये दायित्व इस समाज का बढ़ता है कि वो इस समाज अपने कार्य में इसको संलग्न करे। शिक्षा का बहुत कार्य कर रहे हैं आप, सेवा के अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसा यहाँ अपना घर के विषय में बताया, 40 प्रभु जी यहाँ पे जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत कार्य है कि भगवान ने आपको चुना है इस कार्य के लिए, परंतु अब आप और विशेष तरीके से थोड़ा शिक्षा पर विशेष कार्य करें। मैं चाहता हूँ और मेरा सहयोग भी रहेगा, यदि बाड़ी से कोई गरीब बच्चा डॉक्टर बनना चाहे तो उसको हमारी संस्था डॉक्टर बनाएगी, ऐसा मैं आग्रह करूंगा। और यहाँ पर आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी के लिए भी इंस्टीट्यूट बना करके गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। ऐसे वंशज, ऐसे पूर्वज की आप लोग संतान हैं जो राम के वंशज हैं, इससे बड़ी उपलब्धि इस समाज की क्या हो सकती है। हमेशा दूसरों के लिए जीने और दूसरों के लिए जीते हैं, इसमें कोई संदेह 1% भी नहीं है। आप उस कबीर की पंक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग ऐसा हम रोए, और ऐसी करने कर चलो हम ऐसे जग रोए। उसे आप चर्चा कर रहे हैं एक व्यक्ति, ये मन में ध्येय आप लोगों के पूरे समाज के एक व्यक्ति के में है कि ऐसा कोई काम करके जाएं जिससे लोग याद रखें, और यही जीवन का निचोड़ है। मैं आपको निवेदन कर दूं, मैं राधेश्याम गर्ग, अभी मेरे को अग्रवाल समाज बाड़ी के द्वारा अग्रवाल सभा अध्यक्ष के रूप में एक दायित्व दिया हुआ है, और जो उम्मीद उन्होंने मेरे से की है उसको मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा, और वो जिम्मेदारी जब ही निभाएगी जब वो मेरे साथ रहेंगे। और इस संदर्भ में आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह था, मेरे गुरु और जो कि आनंद पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी हैं, वह मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट पर आए और उन्हें आशीर्वचन दिए और कार्य करने की प्रेरणा दी। उनकी सारे जिससे प्रेरणा दी है उसको मद्देनज़र रखते हुए सबके सहयोग से और मैं बखूबी जो कि हमारे समाज की आवश्यकता है उन्हें पूरी करने की कोशिश करूंगा और उनका पूरा निर्वहन करूंगा। फिर मैं आता था, फिर मैं 2023 में 21 साल बाद धौलपुर में प्रवेश किया। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, 21 साल बाद प्रवेश किया, फिर भी उतना ही प्यार सम्मान
आपने मिला और जितना भी आपने सहयोग किया है गवर्नमेंट को बढ़ाने के लिए वो बहुत ही प्रशंसनीय काम है। और जहाँ तक मेरे बारे में कहा गया कि वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है धौलपुर में, ये बात सही है कि वो 2015 से पहले पड़ा था, लेकिन हमारी भी एक यूनिटी है, दायित्व बनता है समाज के लिए, संस्था के लिए, तो हमको भी कुछ करना चाहिए। उसी उद्देश्य से मैंने ये काम किया है, मैंने अपने लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नई कार्यकारिणी को, नए अध्यक्ष महोदय को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरिशंकर मंगल सराफ विगत 27 दिसंबर को श्री अग्रवाल सभा बाड़ी के जो चुनाव हुए थे उसमें मुझे महामंत्री पद का दायित्व मिला और मैं सभी समाज के बंधुओं से, जितने भी 2000 परिवार हैं, उन सब से ये बात इस बात का वायदा करता हूँ कि एक कड़ी होती है जो समाज की समन्वय बना करके उस समाज को आगे गति प्रदान करेंगे, ये बना के चलेंगे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, कोई दुख नहीं हो किसी को, और अपनी जो नीति रीति है, अपनी जो सहायता है, उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे।